Yes, good morning. Welcome to our Council Primary School. Class 3. अपने पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर सेकंड के शब्द आंसर करवाए थे और ये ऑरल वाले क्वेश्चन आंसर करवाए है ना। चैप्टर अपना था अधूरा ज्ञान, ठीक है ना। चार गांव वाला चैप्टर था कि चार ब्राह्मण थे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर विद्या ग्रहण करने के लिए गए, ठीक है। एक ही जगह पर वो चारों ब्राह्मण वापस मिले। वहां पर पहले ब्राह्मण को कुछ हड्डियों का टुकड़ा बिखरावा दिखाई दिया, ठीक है। तो पहले ने कहा मैं हड्डियों का ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इसीलिए मैं इन टुकड़ों को जोड़कर इसका ढांचा बना दूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इसके अंदर मांस डाल दूंगा, तो मांस का ज्ञान प्राप्त। तीसरे ने कहा कि मैं ऐसा मंत्र पढ़ना जानता हूँ जिससे इसमें जान आ जाए। और चौथा जो ब्राह्मण था वो सामान्य ज्ञान प्राप्त करके आया था। तो चौथे ने कहा कि आप इसके अंदर जान भर डालिए, जान डाल कर ये हमें सबको खा जाएगा, ठीक है। लेकिन उन तीनों ब्राह्मणों ने उसका कहना नहीं माना। तीसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते ही से जीवित होकर खड़ा हो गया और उन्हें तीनों को खा गया। और चौथा ब्राह्मण जो था वो पेड़ पर चढ़ गया जिससे उसकी जान बच गई। ये चैप्टर मैंने आपको रीड कराया था, स्टोरी की वजह से आपको समझना है ना। अब अपने शब्दार्थ मैंने करवा दिए थे और क्वेश्चन आंसर इसकी फोर्थ ऑरल वाले थे, है ना, मौखिक वाले को करवाए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर टेक पे चलते हैं। तो टेक आउट बुक, पहले आपको बुक में फिल करना है, ओके। आपको बुक में करना है क्वेश्चन नंबर 1। किसी गांव में रहते थे दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण या चार ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण रहते थे, गिव आंसर। हाँ, कितने रहते थे, चार ब्राह्मण, ठीक है। तो आप किस पे टिक करोगे, थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर है का वन है, उस पे आपको किसके टिक करना है, थर्ड पे टिक करना है, ठीक है। फिर सेकंड में जब वे विद्या प्राप्त करके लौट रहे थे उन्होंने जंगल में क्या देखा, हड्डियां देखी, शेर देखा या हाथी, हड्डियां देखी ना दिखी, तो किस पे होगा, नंबर 1 पे राइट। नंबर 2, पुस्तकों के ज्ञान के साथ हमें क्या सीखना चाहिए, जादू, सामान्य ज्ञान या ऐसा सामान्य, ठीक है। तो ये है आपके टिक है, ओके। फील देखिए, बुक में फील करवाने वाला पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 फीलिंग का मैच है। ब्राह्मण कुमार की खोज में निकले, ब्राह्मण कुमार किसकी खोज में निकले, गुरु की खोज में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होता है क्या, नहीं होता है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी खोज में निकले थे, गुरु की खोज में। तो आपको फीलिंग का मैच करके अंडरलाइन करनी है, नंबर 1। यस, क्वेश्चन सेकंड देखिए। एक ने हड्डियां जोड़कर शेर का बना दिया, क्या बना दिया, ढांचा बना दिया, क्या बना दिया, ढांचा बना दिया। नंबर 3, दूसरे ने ढांचे पर चढ़ा दिया, क्या चढ़ाया, मांस चढ़ा दिया, है ना। कहा में उन्हें कुछ दिखाई दी, क्या हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी, क्या दिखाई दी, हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी, है ना। ये है आपके फीलिंग द पेंस 4, 1, 2, 3, 4 आपको बुक में फील करना रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में रीड करना, आपको बुक में रीड करके इसको फील करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 घड़ी वाला, जैसे घड़ी वाला जो है राइट ऑफ। तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़कर शेर में जान डाल दी, तीसरा मित्र मंत्र पढ़कर आया था ना, तो शेर में जान डाली या नहीं, यस या नो, यस। अपन क्या करेंगे इसमें, राइट का टिक करेंगे। पहला यह हड्डियों का ज्ञान प्राप्त करके आया था, है ना, ज्ञान प्राप्त करके आया क्यों था, राइट। चारों को जंगल में एक शेर मिला, शेर ने मिला था हड्डियां भी खुली पड़ी दिखाई दी, है ना, तो रॉन्ग। शेर ने तीनों युवकों को खा लिया,
तीनों को तो खा लिया था और जो चौथा था वो पेड़ पर चढ़ गया है ना। तीनों को खा गया था, तीसरे मित्र ने क्या किया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते शेर में जान आ गई, जान आ गई, वो जीवित हो गया, जीवित हो गए, तीनों को वो खा लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये आपको तीनों क्वेश्चन इसी में करने हैं बुक में। ठीक है, अब आप नॉर्मल निकालेंगे, आपका क्या होगा नॉर्मल, एवरीवन स्टूडेंट्स अपन योर नॉर्मल, नॉर्मल को मैंने आपको सप्ताह कराए थे चैप्टर सेकंड के। आज अपन चलते हैं टिक द राइट क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख है आपके सही विकल्प पर, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है ना, अब ये ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो सही है उसके आपको टिक करना है। ओके, वन लाइन का गेट करेंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, किसी गांव में रहते थे, कितने ब्राह्मण रहते थे वो आपको बताना है। किसी गांव में रहते थे, ठीक है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपके। तीनों ऑप्शन आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तीनों ऑप्शन आपको नोटबुक में लिखने हैं और लाइन से टच करके बॉक्स बनाने हैं, और जो राइट होगा उस पर राइट टिक करना है और जो दो होगा उसको खाली छोड़ देना है, बॉक्स में कुछ नहीं बनाना। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दो ब्राह्मण, दो ब्राह्मण कुमार। सेकेंड ऑप्शन है, तीन ब्राह्मण कुमार। और ये तीसरा ऑप्शन है, चार ब्राह्मण कुमार। कितने ब्राह्मण रहते थे गांव में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने ब्राह्मण थे, दो ब्राह्मण कुमार, तीन ब्राह्मण कुमार या चार ब्राह्मण कुमार, तो आपको इस पर राइट का टिक करना है। फिर वन लाइन का गेट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन लाइन का गेट करके फिर क्वेश्चन सेकंड करोगे। तीन ऑप्शन आपको लिखने हैं, जब वे किसके लिए आया बताए आपको, जो ब्राह्मण कुमार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके लिए, ब्राह्मणों के लिए, जब वे विद्या प्राप्त करके लौट रहे थे तब उन्होंने जंगल में क्या देखा, तो उन्होंने जंगल में याद रूप में फील कर लिए होंगे, मैं आपको नॉर्म रूप में करवा रही हूँ। लौट रहे थे तब उन्होंने जंगल में क्या देखा, क्या देखा उन्होंने जंगल में बताइए, देखिए क्या देखा था, हड्डियां दिख रही दिखाई दी उनको ना, क्या देखा उन्होंने, हड्डियां देखी। यस, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, हड्डियां। सेकंड ऑप्शन है, शेर। और तीसरा ऑप्शन है आपके, हाथी। जब विद्या प्राप्त करके वापस एक ही जगह पर तीनों चारों ब्राह्मण मिले थे ना, तो चारों ब्राह्मण जब मिले वहां उनको क्या दिख रही दिखाई थी, हड्डियां दिख रही थी, है ना। तो ऑप्शन ये है कि जब वो विद्या प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने जंगल में क्या देखा, हड्डियां देखी, शेर देखा या हाथी,
क्या होगा बढ़ गया था इस तरह की करोगे बढ़ गया यस तीन वन लाइन का गेट करेंगे आप नंबर थ्री जैसे मैंने आपको बुक में फील करवा दिया है अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने इसको ओपन करके बुक में आपके पेज नंबर 13 है 13 पेज नंबर पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके बुक से आप देख कर कर सकते हैं नंबर थ्री पुस्तकों के ज्ञान के साथ ज्ञान के साथ क्या सीखना आवश्यक है क्या सीखना आवश्यक है पुस्तकों ज्ञान तो बहुत सारा रहता है लेकिन जनरल नॉलेज नहीं है सामान्य ज्ञान नहीं है क्या मैं थोड़ा बात कैसे करना चाहिए क्या चीज करनी चाहिए पुस्तकों के ज्ञान के साथ क्या सीखना आवश्यक है कौन सा ज्ञान सीखना चाहिए उनके के साथ यस नंबर वन जादू नंबर टू सामान्य ज्ञान नंबर थ्री असामान्य ज्ञान तो कौन सा ज्ञान सीखना चाहिए हमें सामान्य ज्ञान पे किस तरह राइट करेंगे सामान्य ज्ञान पे राइट करेंगे ओके ये आपको क्वेश्चन नंबर है आपको नोटबुक में करना है और बुक में मैंने आपको फील करा दिया है आपको डायरी एंट्री करनी है लर्न करना है ये जो करवाए और चैप्टर रीड करते रहना जिससे आपको इजीली समझ में आता रहेगा